हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पॉलिसी है और ये जो भर्ती कराती है, ये जो संस्था है, ये क्या इसकी पॉलिसी है, क्या नीतियां हैं, किस तरह से ये स्टूडेंट का सिलेक्शन करती है और किस तरह से छात्र जीवन जो है ये बर्बाद कर देती है, इस पर बात होगी। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी बात पहले सुनिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, और जैसा कि आप लोग को पता ही है, जैसे पुराने स्टूडेंट जो भी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं यूपी ट्रिपल एससी का, उन सबको इसके बारे में ए टू जेड सारी बातें पता है। लेकिन नए स्टूडेंट हैं, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए और क्या आपके लिए सही होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी देने वाला हूँ। पहली चीज़ तो दोस्तों देख लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी जो है, पहले जो था, इसके पहले, अभी जब से पीईटी लागू हुआ है, यानी कि पिछले साल से 2021 से पीईटी लागू हुआ है, तो पीईटी से पहले जो था कि केवल डायरेक्ट ये लोग भर्ती फॉर्म निकालते थे और ये समूह ग और घ समूह ग की भर्ती करवाते हैं। और इसमें जो है इन लोग की पॉलिसी यही रहती है कि पहले क्या थी, कुछ पोस्टें ऐसी थी जो यूपी पीएससी के थ्रू करवाई जाती थी, लेकिन क्या है कि लोअर पीसेस के भी पोस्ट होते हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि समूह ग में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, बीडीओ, इस तरह के बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट हैं और तैयारी कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ तो दोस्तों, इसमें तैयारी में आने से पहले आप लोग इसके बैकग्राउंड को पहले समझ लीजिए कि किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, ये जो आयोग है, ये स्टूडेंट का जो जीवन है वो खराब कर देता है, यानी कि लाइफ जो है ना वो एकदम बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने का मतलब ये है कि कोई भी भर्ती हुई, कोई भी भर्ती, चाहे आप इसके पहले देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए बीडीओ का एग्जाम्पल लेते हैं, बीडीओ 2018 की भर्ती है, ठीक है। ये भर्ती आप लोग को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, जो भी नए स्टूडेंट होंगे शायद ही उनको पता हो, इसके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि यदि आपका ये जो क्षेत्र है रहा नहीं होगा, इस फॉर्म भरते नहीं होंगे तो कुछ भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें बता दें कि एग्ज़ाम भी हुआ 2018 में, उसके बाद इसका कुछ दिन बाद यानी कि 8 साल बाद तक इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर डीवी के लिए भी बुलाया गया, ये सारी चीज़ें। हालांकि उसी टाइम पता भी चल गया था कि इस भर्ती में जो है धांधली बड़े स्तर पे हुई है। इसके बाद दोस्तों, सारी चीज़ें होने के बाद अब क्या था कि जो भी स्टूडेंट थे उनके रिजल्ट आ गए थे, डीवी केवल कराना था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इन्होंने नोटिस जारी किया और क्या बोला कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको रद्द की जाती है और जो इसका फिर से जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए अलग से तिथि जो है निर्धारित की जाएगी। और ये जो भर्ती थी ये कोर्ट में थी। अब धांधली बड़े स्तर पे हुई थी तो कोर्ट ने भी, जैसा कि आज तक जो भी डिसीजन आया, कोर्ट ने भी हर तरह से, चाहे वो आप हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ से ये बताया गया है कि इसमें धांधली हुई है और री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। तो क्या हुआ कि 2018 वाले स्टूडेंट हैं, अब जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट इसमें धांधलीबाज ही हों, मेहनती स्टूडेंट भी थे। अब जब आप भर्ती का फॉर्म भरते हैं और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, डीवी केवल रह जाता है, तो आप क्या समझेंगे? आप तो यही समझेंगे कि मेरा हो गया है इसमें, और जो भी आगे की प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जो घर की कंडीशन है, सारी चीज़ें इस भर्ती पे, जॉब पे आपके डिपेंड रहती है। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट, यहाँ तक कि शादी भी तय हो गई थी और यहाँ तक कि दहेज भी, बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका दहेज भी मिल गया था उन्हें, सारी चीज़ें तय तवार हो चुकी थी, लेकिन ये भर्ती जो है कैंसिल हो गई और बहुत स्टूडेंट जो है डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 18 और 2022 में ये वीडियो आप देख रहे हैं, यानी कि 5 अक्टूबर 2022 को देख रहे हैं, कितना साल हो गया, 4 साल हो गया, और 4 साल आप पीछे चले गए। फिर री एग्ज़ाम कब करवाएगा इसका, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक। जो इसका री एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, अभी तक कोई आइडिया नहीं है, और यही है कि कब होगा। और री एग्ज़ाम कराने के बाद अभी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा इसमें भी, किस स्तर पे धांधलीबाजी होगी या फिर नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद आप कितने साल पीछे हुए, 4 साल पीछे हुए। इससे बेहतर है कि आप कोई और ढंग की तैयारी कर लेते। मुझे लगता है यदि बैंक का फॉर्म निकलता है तो 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है,
क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। अब देखिए क्या है ना कि जब आप इस क्षेत्र से रहेंगे तो तैयारी जब करेंगे 1 साल 1.5 साल 2 साल तैयारी, तो जॉब भी लेंगे, गवर्नमेंट जॉब यदि आप लेंगे तो बिना मेहनत को तो मिलने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप भी वही हैं कि 10 लाख देंगे 15 लाख देंगे और ले लेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसे हो पाएगा। और यदि आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको मिलेगी, तो क्यों नहीं आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करें। हो सकता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हम जैसे लोगों को भी गाइड करने वाले कोई नहीं रहे होंगे। तो ये था कि जो फॉर्म आया भरते रहो और हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उसमें हो जाएगा, लेकिन कुछ भी आज तक हुआ नहीं। तो इस वजह से जो भी स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान देंगे। आप फॉर्म भरिएगा, सारी चीज़ें करिएगा, लेकिन डिपेंड मत होइएगा कि मेरा इसी में हो जाएगा, क्योंकि ये जो आयोग है आपको सबसे ज़्यादा झिलाएगा, बहुत ज़्यादा रुला देगा। रिजल्ट भी क्या है ना कि आप जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें रिजल्ट यदि एक साल के ही अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि आप अपना सारी चीज़ें जान लेते हैं कि कैपेसिटी आपकी कितनी है। ठीक, ये आपको पता चल जाता है वीक पॉइंट क्या है, मुझे किस क्षेत्र में मेहनत करना है। लेकिन आपको यही 4 साल बाद पता चले, 5 साल बाद पता चले, आप क्या करोगे ये बताइए। केवल इसी के भरोसे तो रहना नहीं है। तो इस वजह से, और यही केवल 2000 वीडियो 2018 का एग्जाम्पल ही नहीं है, आप जूनियर असिस्टेंट 2016 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 2022 में रिजल्ट आया। आप सोच लीजिए कि यानी कि 2016 का भर्ती थी और 22 में आया, इतने साल गैप करने के बाद, कितने साल, 6 साल गैप करने के बाद रिजल्ट आया। और उसके बाद भी मंडी परिषद का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारी जो भी भर्तियां हैं, क्रम से आपको गिनवाते रहूँगा, क्रम से ऐसी भर्तियां हैं जो ये लोग फाइनल नहीं कर पाए हैं। एकाध को छोड़कर, जो एकाध ये लोग फाइनल करवा दिए होंगे तो हो गया होगा, लेकिन सारी भर्तियां लाइन में लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है। अब दूसरी बात ये देख लीजिए कि ये लोग ये सोचे कि धांधली होगा, तो इससे अच्छा है कि क्यों नहीं हम पीटी ला देते हैं। ठीक, पीटी लाए, पीटी में क्या था कि आप पीटी का एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद क्या आप नंबर पाए हैं उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर करवा रहे हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद भर्ती निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेखपाल की भर्ती आई थी, ठीक है, लेखपाल की भर्ती आई, अब इसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे, भले ही सर्टिफिकेट में आपका कितना नंबर है। यदि पीईटी में ये बता देते कि कम से कम जो 50 नंबर पाए हैं, 40 नंबर पाए हैं, 60 नंबर पाए हैं, वही स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, नहीं, इन लोगों को पैसा कमाना है। भले ही फीस 25 है, लेकिन सभी कैटेगरी से 25 रुपये ले रहे हैं, और सभी से मान लीजिए 20 लाख लड़के हैं पीईटी में, तो 20 लाख से ये लोग भरवाएंगे लेखपाल का। अब 20 लाख गुणे 25 कीजिए, जो भी आएगा आप लोग काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे क्या कि मैंने 20 गुना बुलाया बुलाया है इसमें, 25 गुना बुलाया है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद क्या होगा, अब आप जाएंगे लेखपाल के लिए, यदि शॉर्ट लिस्ट हो गए, या फिर पॉइंट मान लीजिए आप 1 साल से तैयारी कर रहे थे और पॉइंट वन से आपका पीईटी रुक गया, अब क्या करेंगे। पहले क्या था, डायरेक्ट आपको फॉर्म भरे, आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से खूब तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप जाके फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डायरेक्ट देते, वो भी किसका, भर्ती का। लेकिन अब नहीं, पीटी में ही छट गए, आप जो कोचिंग की ये सारी चीज़ें सब मेहनत जो है बेकार चला गया। ये इस तरह से स्टूडेंट रोए हैं, इस तरह से जो स्टूडेंट हैं लेखपाल की तैयारी जो 2 साल से 3 साल से पहले कर रहे थे और पीटी के केवल मार्क्स पे वो लोग रुक गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पीटी अच्छा नहीं हुआ है तो आने वाला जो अगला पेपर है लेखपाल हुआ चाहे कोई भी, वो भी अच्छा ना हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका लेखपाल हो जाए तो पीईटी में ही आपका स्कोर जो है ख़राब हो। तो कहने का मतलब ये है, पीईटी लाए, उसके बाद इन लोग का क्या उद्देश्य था UP SSC का, कि ये लोग धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार रोक रहे थे, तो जब पीईटी लाए तो क्यों नहीं रोक लिए, क्यों नहीं रोक लिए, क्योंकि लेखपाल में क्या था, आप लोग देखे होंगे लेखपाल में ये लोग 8000 सीट थी, 8000 में 15000 को तो दोस्तों एसटीएफ ने पकड़ा है, किसने, एसटीएफ संदिग्ध पाया है। अब बताइए जब 15000 धाधलेबाज हैं तो मेहनती स्टूडेंट कहाँ गए, आप खुद सोचिए। तो यानी कि मेहनत करने वाले जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, रातों को 12, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह फिर 6 बजे से बैठ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो लोग कहाँ गए, किसकी तैयारी के लिए, लेखपाल की तैयारी के लिए, ISPCs नहीं, लेखपाल की तैयारी के लिए। तो उससे बेहतर है कि आप जो पोटेंशियल है अपना वो सही डायरेक्शन में दीजिए, सही जगह दीजिए। उससे अच्छा आप SSC पढ़िए, मैथ इंग्लिश पढ़ते रहिए, GS पढ़ते रहिए, उससे अच्छा बैंक पढ़ लीजिए, आप एक टाइम पीरियड में, एक सही समय में आप जॉब ले लेंगे,
उससे अच्छा है आप ISPCs की तैयारी कीजिए, क्यों नहीं सही ढंग से और सही चीज़ की तैयारी करें। इसके चक्कर में दोस्तों जो स्टूडेंट हैं वो लाइफ अपनी बर्बाद कर चुके हैं, लाखों स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, आप मान लीजिए दे भी दिए, किसी चीज़ में आपका हो भी गया, उसके लिए रिजल्ट निकलवाने के लिए भी आपको लखनऊ जाना पड़ता है, धरना देना पड़ता है आयोग के सामने कि रिजल्ट जो है मेरा जारी करो। उसके बाद ये लोग सोचते विचारते हैं, उसके बाद ये लोग रिजल्ट जारी करते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के पास यदि मान लीजिए विभाग होगा तो भी सुनने वाले नहीं हैं। पता नहीं किस स्तर के अध्यक्ष को ये बैठा देते हैं कि मतलब इस पे कोई काम ही काज नहीं होने वाला है, और केवल क्या है कि लॉलीपॉप टाइप का ये लोग थमाते रहते हैं कि हाँ ये भर्ती आने वाली है, उसका अधियाचन मिल गया है और इसका पेपर इस टाइम होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है, टाइम से कुछ भी होता नहीं है इस भर्ती का। UP SSC कोई भी भर्ती जो है टाइम से नहीं करवाएगा। यदि बोल दिया कि हम सितंबर में PET का एग्ज़ाम कराएंगे, फिर क्या होगा 15 दिन या एक महीने बाद, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं PET का, एक महीने बाद ये नोटिस जारी करेंगे अपरिहार्य कारणों से ये जो एग्ज़ाम है ये अक्टूबर में चला गया। उसके बाद लीजिए तैयारी करते रहिए, अब इनका जब मन करेगा तब कराएंगे, हो सकता है अक्टूबर में भी ना कराएं। अब देखिए अगला खेल PET का सेंटर, आप लोगों ने देखा होगा 2022 का, इस बार का जो सेंटर है, जैसे नई सिक्का उछाला जाता है कि हाँ फलाने अच्छा नीरज यादव हैं, चलो ठीक है सिक्का उछालो, भेज दो बरेली, कहाँ से हैं तो ये हैं आपके गोरखपुर से, भेज दो बरेली। उसके बाद चलिए ठीक है योगेश, योगेश हैं इलाहाबाद से हैं, चलो ठीक है भेज दो उन्नाव। इस तरह से तो सेंटर इन्होंने भेजा है, और इससे क्या है कि केवल छात्रों को परेशान करना है, और कई छात्र ऐसे हैं जो पेपर ना दे पाए। उसके बाद छात्राएं जो हैं लड़कियों का भी सेंटर इतना दूर भेजा है कि मतलब लीजिए आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए, खूब हल्ला कीजिए कि मुझे एग्ज़ाम भी टालना पड़ जाए, उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें रोक आ जाए। इस तरह के ये ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि आप लोग संतुष्ट रहें, मतलब स्टूडेंट को पूरी तरह से ये आयोग बर्बाद कर देता है। कहने का मतलब ये है यदि आप UP SSC का फॉर्म भरते हैं तो 4 से 5 साल आपके पास होना चाहिए, उसके बाद भी आप ये बिल्कुल कन्फर्म मत रखिए कि मेरा इसमें हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट 2019 का ये फॉर्म आया, ठीक, अभी उस टाइम वो क्या बोलते हैं PET नहीं था, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2019 का फॉर्म आया, उसके बाद इसका एग्ज़ाम करवाया गया, एग्ज़ाम हुआ 2 शिफ्ट में। उसके बाद इन ये लोग एक चीज़ लगा दिए हैं नॉर्मलाइजेशन, कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा, जिस शिफ्ट का पेपर टफ होगा उसमें हम नॉर्मलाइजेशन डालेंगे, ठीक है नॉर्मलाइजेशन भी डाल दिए। ये हर एक एग्ज़ाम में हो रहा है, चाहे वो SSC हो बैंक हो इस तरह का। अब इसका क्या हुआ, अब देखिए मान लीजिए आप कट ऑफ किस तरह से पास किए, ठीक है कट ऑफ से ज़्यादा जो भी नंबर है आप ये एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई किए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, टाइपिंग के लिए। टाइपिंग किस में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, किस में होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें कम से कम यदि आप नहीं सीखे हैं तो 2 महीने इसी में लग जाएंगे, वो भी डेली आप 3-4 घंटे करेंगे तब जाके आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बनेगी। उसके बाद आप टाइपिंग क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद ये क्या करते हैं जुड़वाते हैं नंबर किसका, एकेडमी का, यानी कि पहले आपको जुड़वाएंगे इंटरमीडिएट, उसके बाद जुड़वाएंगे आपका ग्रेजुएशन। यदि उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि फर्स्ट डिवीज़न आप रहेंगे तो 20 नंबर और सेकंड डिवीज़न रहेंगे तो 15 नंबर 8 नंबर इस तरह से कुछ सिस्टम है इनका। उसके बाद भी अभी आप देखिए रिजल्ट तो आया है, उसके बाद आप DV जाएंगे कराने, टाइपिंग पास होने के बाद रिजल्ट जारी करेंगे कि आप टाइपिंग पास हैं, चलिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आइए। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए गए आप, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये ऐसा नहीं है कि चलो मेरा 10,000 सीट है, 4,000 सीट है, 1,000 सीट है तो केवल मैं 1,200 को बुला लूँ, पहले ये 1,000 फिलअप कर लूँ, नहीं ये बुलाएंगे 3 गुना, ठीक 3,000 स्टूडेंट को बुला लेंगे। उसके बाद इसी में स्टूडेंट जो हैं डाउट में रहेंगे मेरा हुआ कि नहीं होगा। उसके बाद जब ये DV करवाने के बाद फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे तो जो ये 3,000 स्टूडेंट हैं ये सब सोचेंगे मेरा हो गया, ये भी सोचेगा मेरा हो जाएगा, वो भी सोचेगा मेरा हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा 1-2 नंबर कम रहेगा वो सोचेगा होगा कि नहीं होगा, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उसका घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं कि आपका नंबर कम रहेगा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। अब उसके बाद ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो भर्ती है 1 साल में फाइनल हो, नहीं 2019 की भर्ती है, रिजल्ट आया कब 2022 में, आप खुद सोच लीजिए।
इतना साल वेट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्री माइंड रहेंगे, आप डिपेंड हो जाते हैं कि मेरा इसमें हो गया है तो चलिए ठीक है, अब तैयारी चल रही है और मेरा इसमें हो जाएगा पहले, फिर अच्छे से तैयारी किसी और एग्ज़ाम का करते रहेंगे। साथ भले ही आप तैयारी करते रहें, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चलता है कि इसमें भी मेरा फेल हो गए, इसमें भी मेरा हुआ नहीं। कितने साल आप बर्बाद हुए? 3 से 4 साल बर्बाद हो गए। ठीक, तो इस तरह की यूपी ट्रिपल एससी की पॉलिसी है। यूपी ट्रिपल एससी की कैसी पॉलिसी है? छात्रों को बर्बाद करने की पॉलिसी है। आप लोग इसमें यदि पढ़ते हैं तो आपके अंदर पहली चीज़ तो पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ चलो होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली है कुछ भी बोल सकती है, पैसा दे रही है तो बोल सकती है कि पढ़ते नहीं हो, घूमते हो, पढ़ते तो होता क्यों नहीं। तो सारी चीज़ें ये भी है, मेहनत के साथ लोग कहते हैं कि मेहनत नहीं करता, अरे भाई मेहनत तो करते हैं, मेहनत के साथ किस्मत भी तो साथ देनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब है कि क्यों नहीं सही से तैयारी करें। तो मेरे कहने का इस वीडियो बनाने का केवल एक ही मोटिव है कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट और जो भी इस तरह की भर्तियां इसके थ्रू आती हैं तो फुल्ली आप इस पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि ये लोग फाइनल जो रिजल्ट जारी करते हैं उसमें भी स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल डिपेंड मत होइए, और आपके पास 4 साल, 5 साल, 6 साल हो, क्योंकि एक एग्ज़ाम में यदि फेल हो जाते हैं, इसमें कोई भी भर्ती आती है, मान लीजिए 2022 में आ गई और इसका एग्ज़ाम आपने दिया और इसमें मान लीजिए आप फेल हो गए, तो आप कम से कम 2 साल से 3 साल बैक जाएंगे, पता नहीं ये अगला भर्ती कब देगा और कब कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे ध्यान रहे, और शायद ही एक आध भर्ती हो, जैसे अपवाद में होता है कि फाइनल हो जाती है, जैसे इस साल सप्लाई इंस्पेक्टर का इन्होंने फाइनल करवाया है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ इस इन लोग में कमी ये है पीईटी का। अब जैसे क्या होता है कि पीईटी में एक मानक तैयार कर देते कि ठीक है आप कम से कम 50 नंबर गेन करो, उसके बाद ही आप भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। बाय द वे मान लीजिए कितना भी कम अच्छा स्टूडेंट और कमजोर छात्र रहेगा तो बढ़िया से यदि तैयारी करता है तो 50-60 नंबर तो ला ही सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं 100 में मुझे 90 लाना है, और पता चले पेपर ऐसा आ गया कि आप 90 क्या 60 लाते लाते पसीने छूट गए, तो जो भर्ती आएगी मान लीजिए पोस्ट कम है तो भर्ती जब आएगी तो उसमें क्या होगा आपका, ये तो सीट के हिसाब से ही डिसाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए सीट 1 ही हज़ार है, ठीक है, अब फॉर्म भरवा रहे हैं सबसे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो है पीटी के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उसमें आपका 60 नंबर है, चलिए बाहर है। ठीक, भले ही आप इसके लिए कितना भी मेहनत करते, 1,000 सीट के लिए कितना भी मेहनत करते, हो सकता है 2 महीने का समय मिलता तो और अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकते थे, लेकिन नहीं आप इसी के थ्रू बाहर हैं। तो ये भी जो पॉलिसी इन लोग की है बहुत ही गलत है, लेकिन क्या है कि एक होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो राज्य स्तर के प्रशासन चाह रहा है, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेसी है जो चाह रही है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि तैयारी करते हैं तो मेरा तो यही कहना है, नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं यदि आप, तो आप क्या करें, नए स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, तो भाई जितना समय यूपी ट्रिपल एससी में दोगे उससे कम समय में आप बैंक की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एसएससी की कर सकते हो, ठीक है, आप यूपीएससी की कर सकते हो। यदि आपको जीएस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जीएस पढ़ने में मज़ा आता है और आप मेंस टाइप का लिखना चाहते हो तो एक बड़े लेवल तक की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। 6 महीने से साल भर के अंदर बैंक की जो जॉब है मिल जाती है, इसकी तैयारी कर सकते हो, कोई भी लोचा नहीं रहता है। एसएससी की भी लगभग 1 से 1.5 साल लगता है, इसमें भी टाइम टेकन है थोड़ा सा, 1.5 साल तक में फाइनल हो जाता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में ज़िंदगी बर्बाद करने से बच जाओगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपके बड़े भाई या फिर आसपास के लोग तैयारी करते होंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में पता कर लीजिएगा, तो इस वीडियो को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि क्या मैंने जो बात कही है वो सही है कि नहीं। तो मिलते हैं नए अपडेट साथ, मेरा मोटिव यही था कि आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि ये जो आयोग है भले या फॉर्म भरें, तैयारी करें एक मन से, लेकिन क्या है कि पूरी तरह से डिपेंड ना हो।
पूरी तरह से डिपेंड होंगे तो आपको तकलीफ ही देगा। उससे बेहतर है कि आप लोग बैंक की तैयारी कर लें, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हुई हो जाएगी और इसके तैयारी के आगे UP SSC कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक, जीरो रहेगा। धन्यवाद।